हमारे साथ हैं अवधेश कुमार राय जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम इनसे पूछते हैं। सर क्या लग रहा है आपको, अपना एक अनुमान आप बताइए, आप तो प्रत्याशी हैं, बहुत घूमे हैं, काफ़ी मेहनत किए हैं। देखिए हम लोग तो मेहनत किया है और हमारे कार्यकर्ता जितने मेहनत किए हैं उनको बहुत बधाई। इस चुनाव में हमसे ज़्यादा जनता और कार्यकर्ता निश्चिंत है कि हम जीतेंगे और अच्छे मत से जीतेंगे, और इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि इस चुनाव में कहीं से कोई नहीं जीतने का प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। अच्छे मतों से हम लोगों की विजय होगी, उत्साह का माहौल है, सभी लोग उत्साहित हैं। और सिर्फ एक अफवाह और गुमराह जो करने की बात चल रही है, कहीं कहीं से कहता है कि बोलता है 50,000 से बढ़त रहेगा ना, उसको भी निगल जाएंगे। इसकी रक्षा हमको करनी है और इसलिए उसकी रक्षा के लिए जनता खड़ा, हमको बुलाइए, जो होना होगा हम उसकी रक्षा करेंगे, किसी को लूटने नहीं देंगे। अब अंदाजा कीजिए, और कौन अफवाह उड़ाता है कि 50,000 लूट लेंगे, वो तो आप बूझ ही सकते हैं। लेकिन जनता ने जो उत्साह से मत दिया है वो काफ़ी दृढ़ संकल्प है, हमारे मत का कोई अपहरण नहीं कर सकता है, हम उसकी रक्षा भी करेंगे और शानदार जीत हासिल करेंगे। सर आप कभी लाइमलाइट में नहीं रहे, हमेशा एक अपने दुनिया आपकी अलग रही है, जो वैचारिक दुनिया है, जो सांगठनिक ढांचा उसके अंदर आप काम किया है। स्वाद, स्वास्थ्य और समृद्धि का संगम कावेरी रेस्टोरेंट होटल हर्ष गार्डन सिंघौल बेगूसराय। वास्तव में यहाँ हमारे उत्कृष्ट एवं कुशल शेफ एवं उनकी टीम है जो आपके स्वाद अनुकूल भोजन उपलब्ध कराते हैं। कावेरी रेस्टोरेंट नित नए स्वरूप और बेहतरीन व्यवस्था के लिए लगातार कार्य कर रही है। आपके जन्मदिन, फैमिली गेट टुगेदर, बिजनेस मीटिंग, एनिवर्सरी और रिंग सेरेमनी जैसे पारिवारिक समारोहों को कावेरी रेस्टोरेंट यादगार और अविस्मरणीय बनाने को तैयार है। शुरुआती दौर में हम लोग जब जाते थे बहुत जगह ये सवाल आता था, कौन है अवधेश राय, बहुत लोग पहचानते हुए थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, अवधेश राय अचानक से बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, क्या ऐसा हुआ? देखिए यह बात तो सच है कि बछवाड़ा विधानसभा में हमने 30 वर्षों की संसदीय राजनीति किया, चुनाव जीते 3 बार और हारे भी 3 बार बहुत मामूली मत से, तब भी जनता के बीच हम रहे। और इसलिए बछवाड़ा में सीमित रहने से दूसरे क्षेत्र के जो लोग नहीं पहचानते थे, बछवाड़ा में हमारे क्रियाकलाप को अच्छी तरह से जानते थे और बछवाड़ा में बहुत चर्चित था। जाहिर बात है कि जो जो हमारी पहचान उनसे हुई, चेहरे से देख करके उनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जगा कि बछवाड़ा में जीते तो जीते, हारे तो 100-200 से, ऐसा व्यक्ति अवधेश कुमार मैदान में है। इसलिए मेरा कोई कद भले नहीं है था, काम का दृष्टि से हमारी पहचान जनता के बीच में बनी। जी, एक जो इस चुनाव में देखने को मिला कि पोलराइजेशन नहीं हो पाया, आमतौर पर बहुत जगह पोलराइज कर दिया जाता है, चीज़ों को ध्रुवीकरण कर दिया जाता था, लेकिन इस बार वो माहौल नहीं देखने को मिला, इसको कैसे देखते हैं? देखिए इसका भी एक प्रधान कारण है, बछवाड़ा में हमने जो कहा 30 साल की हमारी संसदीय कार्रवाई रही, बछवाड़ा में हमने कभी भी जातीय धार्मिक कोई विभेद होने नहीं दिया, यह हमारा इतिहास है और बछवाड़ा का ये संदेश पूरे जिला में गया। पोलराइजेशन का सभी के सभी, चाहे उच्च जाति जिसको कहता है हमारे खिलाफ, वो भी मानते थे कि अवधेश जी जातीय आधार पर राजनीति नहीं करते हैं, गरीबों का, मेहनत करने वालों का राजनीति करते हैं, धार्मिक रूप में भी लोग जानते थे। वो चर्चाएं बछवाड़ा से जो रिफ्लेक्ट होती थी तो सभी जगह के लोग जानते थे, और इसलिए इस चुनाव में कोई ध्रुवीकरण होने का कहीं से प्रश्न ही नहीं आया। जिस उत्साह से हमें उच्च जाति के लोग वोट दिए, उतना ही उत्साह से हमारे पिछड़े, अति पिछड़े और दलित के नौजवानों ने साथ दिया, अकलियत के नौजवानों ने साथ दिया, इसलिए समान रूप से एक उत्साह थी। और पिछले दिनों जो 5 साल
जो उन्होंने अनुभव किया था अपने प्रतिनिधियों से कि उनको मान सम्मान नहीं मिला, उनकी बातें नहीं सुनी गई, तो उससे और भी आहत थे। और इसलिए इस बार सभी दीवार को तोड़ करके महागठबंधन के पक्ष में, हम लोगों के पक्ष में लोग उत्साहित होकर मैदान में। बेगूसराय को कभी लेलिनग्राद कहा जाता था, कम्युनिस्ट इतनी ताकतवर थी और उधर कांग्रेस थी, आमने सामने की लड़ाई होती थी। तो अभी जो चुनाव हुआ, जिस तरह से अभी देश में माहौल है, चुनाव का जो एजेंडा तय होता है, उसमें लगता है कि अवधेश राय ओबीसी समाज से हैं, तो इसका भी एक बेनिफिट कहीं मिला? देखिए, यह बात तो सही है कि जब हम लोग पार्टी का निर्माण किए थे, उस समय सामाजिक विषमताओं के खिलाफ हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, आर्थिक विषमताओं के खिलाफ भी हम लोग लड़े, और जिससे हमारी पार्टी का लेफ्ट पार्टी के रूप में बेगूसराय में पहचान बनी। बीच में कुछ लड़ाइयों में ढीलापन जो हो जाता है लड़ते लड़ते थोड़ी सी वो आई, जिस वजह से कई तरह की भ्रांतियाँ भी पैदा लिया और उस भ्रांति में लोग इधर उधर कुछ छिटक गए। आज की तारीख में फिर से कॉन्फिडेंस बना है और महागठबंधन के जो लोग हमारे साथ थे वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि लेफ्ट पार्टी और ख़ास करके सीपीआई जो सामाजिक आर्थिक लड़ाई को लड़ने में अगुवाई करती थी, आज अगर चाहेगी तो वही अगुवाई की भूमिका अदा कर सकता है। इसलिए महागठबंधन का एक व्यापक सहयोग मिला और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि बेगूसराय ज़िला में इस बार जो जनता का प्यार और दुलार, खास करके वंचित लोग, खास करके दबे कुचले लोग, खास करके आर्थिक रूप में पिछड़े लोग, ऐसे लोगों को सभी अधिकार दिलवाने में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन का नेतृत्व प्रदान करते हुए आगे बढ़ेगी, सफलता हासिल करेगी। संविधान बचाओ भी एक बड़ा मुद्दा बना, बहुत बड़ा मुद्दा संविधान बचाओ। तो कहिए ये कि सीधा सीधी जब घोषित कर दिया गया कि हम आरक्षण तक को समाप्त कर देंगे, ये है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो हम लोगों ने आरक्षण के सवाल पर जबरदस्त संघर्ष किया था, वो समय भी हमको याद है। आरक्षण लागू और कैसे आरक्षण लागू उस पर सवाल हम लोगों ने उठाया था, एक लंबा कहानी है। और आज की तारीख में उस संवैधानिक अधिकार को कोई छीनने की बात करेगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी डट के इसका विरोध करती रही है और आज तो और आवश्यकता हो गई है, क्योंकि संविधान की सभी मर्यादाओं को खत्म करके आरक्षण और दूसरे अधिकारों को भी छीनने का जो प्रयास हो रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी से बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या अनुमान है सर, कितने मतों से जीतने जा रहे हैं? लोग जानना चाहते हैं, उत्सुकता लोगों में भी, आपके समर्थकों में भी। क्या कहें, 1.5 लाख से तो नीचा कोई गिरवे नहीं करता, कोई कहता 2.5 लाख से, कोई कहता 3 लाख से, गिनती तो कल बताएगा, 1.5 से नीचे जाने के लिए कोई तैयार नहीं। आपका अपना अनुमान क्या कहता है? ऐसा जीत होगा जो चौंकाने वाला होगा, यही हम कह सकते हैं, कितना से होगा कहना मुश्किल। कह रहे हैं कि चौंकाने वाली जीत होगी, साफ साफ महागठबंधन के प्रत्याशी, बेगूसराय के लोकसभा प्रत्याशी अवधेश कुमार राय का कहना है कि जीत जो होगी वो चौंकाने वाली होगी, कितने मतों से जीतेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन इशारे इशारे में बता भी देते हैं कि लोग, जनता कह रही है 1.5 लाख कम से कम जीतेंगे। तो कैसी लगी हमारी बातचीत, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।